दोस्तों फ्लिपकार्ट पे फिर से सेल आ चुकी है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ मोबाइल के बारे में नहीं बताने वाला, और भी मैं आपको काफ़ी कुछ बताऊंगा आज की वीडियो में, जैसे कि लैपटॉप कौन सा बेस्ट है आपके लिए, या फिर हार्ड ड्राइव आप कौन सी ले सकते हैं, कैमरा कौन सा ले सकते हैं आप, इसके अलावा जो एसी है वो आपको कौन सा लेना चाहिए। तो आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो दोस्तों, मैं आपको आज दो दो प्रोडक्ट बताऊंगा हर कैटेगरी के, अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा आपको परचेज करना है। पहले हम स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं। स्मार्टफोन आपको काफ़ी सारे मिल रहे हैं अलग अलग प्राइस सेगमेंट में, लेकिन मैंने यहाँ पर दो स्मार्टफोन आपके लिए पिक किए हैं बजट सेगमेंट के। पहला है रेडमी वाई टू, ये आपको मिल रहा है 799 में, और अगर आपके पास है HDFC बैंक का कार्ड तो आपको और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये फ़ोन आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन, तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। हालांकि जो परफॉर्मेंस है इस फ़ोन की उतनी पावरफुल नहीं है, यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 625, लेकिन कैमरा इस फ़ोन का ज़बरदस्त है इस प्राइस पे। हमारा अगला फ़ोन है नोकिया का 5.1 प्लस, ये आपको मिल रहा है 799 में, यहाँ भी आप बैंक ऑफर लगा सकते हैं। तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए इस प्राइस पे कोई पावरफुल स्मार्टफोन ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी के साथ। ये फ़ोन आता है ग्लास बिल्ड के साथ, यहाँ पर आपको मिल रहा है मीडियाटेक हीलियो P60। इसके प्रोज एंड कॉन्स को लेकर मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूँ, ऊपर आपको कार्ड्स में लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये दो स्मार्टफोन है जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं बजट सेगमेंट में। मुझे आप ये भी बताना कमेंट्स में, क्या आप नोकिया 5.1 प्लस का कंपैरिजन देखना चाहोगे रियलमी C2 के साथ, क्योंकि एक में आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो P60, दूसरे में आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो P22, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। दूसरा, दोनों का प्राइस भी सेम है 3GB वाले वेरियंट का 799। कमेंट्स में बताना मुझे आप देखना चाहते हो या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं AC के बारे में। देखो दोस्तों, अगर आपको AC लेना है तो ये बेस्ट टाइम है AC परचेज करने का। दो AC मैंने आपके लिए पिक किए हैं और ये दोनों ही हैं इन्वर्टर AC, जिससे क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका काफ़ी कम आएगा नॉर्मल AC के कंपैरिजन में। पहला AC है 24999 में, ये है मार्क्यू ब्रांड का AC और ये ब्रांड है फ्लिपकार्ट की तरफ से। 1.5 टन का ये AC आपको मिल जाएगा 24999 में, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा प्राइस है। दूसरा है वोल्टास का AC, ये 1.5 टन आपको AC मिल जाएगा 30999 में। तो दोनों ही AC काफ़ी अच्छे हैं, जिस ब्रांड पे आपको ट्रस्ट हो वही आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ दो लैपटॉप जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं। पहला लैपटॉप है एसस की तरफ से, इसका प्राइस है 24490। यहाँ पर आपको i3 प्रोसेसर मिल रहा है, 4GB रैम, 1TB हार्ड ड्राइव के साथ, और आपको साथ में विंडोज़ भी ओरिजिनल दी जा रही है, विंडोज़ 10। अगर आपका नॉर्मल यूज़ है, हैवी यूज़ आपका नहीं है, वीडियो एडिटिंग वगैरह आपको नहीं करनी है, तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं इस प्राइस पर। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बिल्ड क्वालिटी भी इसकी ज़बरदस्त है। बाकी अगर आप कोई ऐसे कंज्यूमर हैं जिनको हैवी यूज़ के लिए कोई लैपटॉप चाहिए, वीडियो एडिटिंग भी आप करते हैं और फोटोशॉप भी आप यूज़ करते हैं, तो ऐसे में आप ले सकते हैं ये Acer का लैपटॉप, Acer Aspire 5। इसमें आपको i5 प्रोसेसर मिल जाएगा, 8GB रैम, 1TB हार्ड ड्राइव के साथ, विंडोज़ 10 भी यहाँ ओरिजिनल है, और साथ में आपको 2GB का ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ खास बात यह है, इस लैपटॉप का साइज है 15.6 इंच का, फिर भी ये लैपटॉप ज़्यादा हैवी नहीं है। इसका वेट है 2 kg के आसपास का और इसका प्राइस है 37990। बाकी Acer की वीवो बुक है उस पर भी डिस्काउंट चल रहा है, अगर आपको SSD चाहिए अपने लैपटॉप में तो ये आप देख सकते हैं 45-47,000 के आसपास ये आपको मिल जाएंगी। और इन सब पे आप बैंक ऑफर भी लगा सकते हो, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा HDFC बैंक का कार्ड यूज़ करने के बाद। टर्म्स एंड कंडीशन आप चेक कर लेना कितना मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है। चलिए अब लैपटॉप के बाद बात करते हैं हम SSD के बारे में। यहाँ पर मैं आपको दो SSD रिकमेंड करने वाला हूँ। एक तो है 1699 में, WD की SSD है, यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है 120GB का। अब माना कि मैंने इसका स्पेस कम है, लेकिन मान लो आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा SSD लगा लोगे विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए, तो आपके डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी ये SSD है किंगस्टन की तरफ से, इसमें आपको स्पेस मिलता है 480GB का, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए SSD की जगह पर पोर्टेबल हार्ड ड्राइव ज़्यादा स्टोरेज वाली, तो आप ये 1TB की हार्ड ड्राइव ले सकते हैं। तोशिबा ब्रांड की ये हार्ड ड्राइव है, ये आपको मिल जाएगी 3299 में, ये भी इसका काफ़ी अच्छा प्राइस है। 2TB के लिए भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, 4799 में आपको मिल जाएगी 2TB हार्ड ड्राइव। चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं DSLR के बारे में। अगर आपको चाहिए कोई एंट्री लेवल DSLR, तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कैनन का 1300D, 20,000 में ये आपको मिल रहा है, साथ में बैंक ऑफर भी आप लगा सकते हैं इस पे। इसके अलावा आपको एक और दिखेगा DSLR कैनन का 3000D, ये आप कंसिडर मत कीजिएगा, इसकी जगह पे बेस्ट है 1300D जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी के लिए कैमरा लेना है तब ये कैमरा आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा चाहिए तब मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, तब आपके लिए बेस्ट है कैनन का 200D।
38,000 के आसपास ये आपको मिल जाएगा। ये कैमरा बेस्ट है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इसके साथ, क्योंकि ये आता है ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी के साथ। फोकस इसका काफ़ी फास्ट है, बिल्कुल भी आपको शिकायत नहीं होने वाली इसके साथ। तो एंट्री लेवल के लिए 1300D, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 200D, ये दोनों आप ले सकते हैं। जो भी मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।